आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं मेगा कंपनी के ऑरा 20 का। ये क्यूब एम्पलीफायर वाला बॉक्स है जिसमें स्पीकर है, माइक है, ब्लूटूथ, एफएम सब कुछ दिया गया है, रिकॉर्डिंग भी है। इसकी प्राइस कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। फटाफट से इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ मिलता है। ये दो बैटरी मिलती है जो कि माइक पे लगेंगी, और ये लीड है चार्जिंग वाला, उसको बाद में खोल के दिखा दूँगा। और ये रिमोट मिलता है साथ में नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन दबाने के लिए। ये माइक है कॉर्डलेस माइक, उसको बाद में देख लेंगे। और ये हमारा मेन सिस्टम क्यूब जिसमें एम्पलीफायर, स्पीकर सब कुछ लगे हुए हैं और इनबिल्ट बैटरी भी है। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ऑडियो आउटपुट, माइक इनपुट, माइक वॉल्यूम, वायरलेस माइक का वॉल्यूम, MP3 चलेगा तो वो ब्लिंक करेगा। ये सामने से स्पीकर है, और ये USB वगैरह लगाने के लिए सब यहीं से। रिकॉर्ड का बटन भी यहीं है, मेगा का वो लोगो नीचे दिया गया है। इस पार से दिखा देता हूँ, इधर चार्जिंग के लिए यहीं दिया गया है। आप इसको आउजा के WPA220 से कंपेयर कर सकते हैं, लगभग वैसी शेप वगैरह में दिया है। इधर 12 वोल्ट का आप अलग से बैटरी भी लगा सकते हैं। लाइन का वॉल्यूम, इको का वॉल्यूम और टोन का वॉल्यूम दिया गया है। आओ जाके WPA220 से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें इको भी मिलता है, ब्लूटूथ भी है और रिकॉर्डिंग फीचर्स भी है, और उससे रेट भी कम है। और ये 25 वाट का है, बहुत हैंडी है, कोई भी ले जा सकता है। इसका बैटरी कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखता है। बैटरी 12 वोल्ट की है मेरे ख्याल से। इसका केबल कुछ ऐसा मिलता है, देखिए आप देख सकते हैं, ये केबल चार्जिंग के लिए है। और ये माइक, इसको भी खोल लेते हैं फटाफट से और देख लेते हैं कि कैसी है इसका बैटरी। वही है नॉर्मली, फिर इसको चला के भी देख लेंगे अपन। अच्छा होगा रेंज, अब मेगा कंपनी ने बनाया है तो अच्छा होना ही है। बैटरी लगा लेते हैं फटाफट से और देख लेते हैं फिर चला के इसको कि कैसे आवाज़ आ रही है। इसमें ऐसा सिस्टम है, एक बार लाइट जलेगा फिर बंद हो जाएगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी भाई थोड़ा पास में बैठो। हेलो, ये है मेगा कंपनी का ऑरा 20। हेलो, अभी हम कॉर्डलेस माइक टेस्ट कर रहे हैं। हेलो, इको भी है इसमें। हेलो, और ये वायरलेस माइक का वॉल्यूम। हेलो, और ये वायर कॉल लगा सकते हैं। हेलो, और ये आउटपुट के लिए। हेलो हेलो हेलो, अभी हम ब्लूटूथ और पेन ड्राइव भी टेस्ट कर लेते हैं। हेलो, अब मैं आपको इसमें पेन ड्राइव लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। स्टार्ट।
हेलो 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 हेलो, अभी हम वायर वाला माइक लगा के टेस्ट किए हैं। हेलो, ये माइक है। हेलो, अब इसमें मैं ब्लूटूथ मोड को भी टेस्ट कर देता हूँ। मोड के बटन को दबाना है बस, फिर बी लिखा जाएगा, उसके बाद मोबाइल में वायर बीटी लिखा आएगा, उसे कनेक्ट करना है, फिर फोल्डर में जाके जो भी गाना चलाना है वो प्ले करना है, फिर वो चालू हो जाएगा। तो इसको भी सुन लेते हैं। अब मैं इसका रिकॉर्डिंग फीचर आपको बताने वाला हूँ। बस ये मोड बटन को जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है, अरे लाइन आ गया, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। अब ये रिकॉर्ड कर रहा है, को प्रेस करके रखना है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है। हेलो हेलो, तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इसको सुन लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। हेलो 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 हेलो, इसको प्रेस करके रखना है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है। हेलो हेलो, तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इसको सुन लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। हेलो हेलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वैसे भी मुझे लगता है ये आउजा के WPA220 से ज़्यादा बेटर है और प्राइस भी कम है, तो जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय।